जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल लर्निंग विद शीतल व्यास। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ पोयम, अ हाउस अ होम। हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? क्या आपने कभी भी सोचा है कि मकान और घर में क्या फर्क होता है? आपने कई बार ऐसा हमारे लोगों को आपस में बात करते हुए सुना होगा कि मकान और घर में बहुत अंतर होता है। तो क्या होता है ये डिफरेंस? लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस पोयम। द नेम ऑफ द पोयम इज अ हाउस अ होम। व्हाट इज अ हाउस? इट इज ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज हार्ड। पोएट पूछ रहा है कि मकान क्या है? क्या मकान ब्रिक और स्टोन है या मकान वुड है यानी लकड़ी है जो कि बहुत हार्ड है? हाउस का मतलब होता है मकान। सो व्हाट इज अ हाउस? इट इज ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज हार्ड। क्या मकान ब्रिक और स्टोन्स है या लकड़ी है जो कि हार्ड है? सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। या मकान कुछ खिड़कियों के कांच हैं या शायद एक यार्ड है? यार्ड का मतलब होता है एक ओपन एरिया जो हमारे घर में आगे, घर के आगे या घर के पीछे की तरफ हो सकता है। घर के आगे के एरिया को हम ओपन यार्ड या फ्रंट यार्ड कहते हैं। फ्रंट यार्ड जहाँ पर कि हमारी अक्सर स्कूटर कार पार्क रहती हैं, जिसे हम पार्किंग एरिया भी कहते हैं। और कई बार ये घर के पीछे की तरफ, बैक की तरफ होता है, जिसे बैकयार्ड कहा जाता है। सो दिस इज एन ओपन एरिया इन फ्रंट ऑफ और एट द बैक ऑफ अ हाउस। तो वो पूछता है, पोएट पूछ रहा है कि क्या मकान ईंट और पत्थर है या कठोर लकड़ी है? क्या मकान खिड़कियों के कुछ कांच हैं या मकान एक ज़मीन का टुकड़ा है? इट इज ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स, द स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। पोएट फिर पूछता है कि क्या मकान ईव्स और चिमनी है? ईव्स का मतलब होता है छज्जा, जो अक्सर हमारी खिड़कियों या रूफ के ऊपर होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ रूफ दैट मीट, और वी कैन से दिस इज ओवरहैंग द वॉल ऑफ अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जो दीवार का एक छोटा टुकड़ा बाहर की तरफ उसको शेड के लिए, कवर करने के लिए बाहर निकला रहता है, उसे कहते हैं ईव्स। एंड चिमनीज आपको पता ही है कि दिस इज़ अ डिवाइस टू रिमूव द स्मोक। किसी भी घर में जो किचन वाला एरिया होता है, जहाँ खाना बनाते वक्त धुआं वगैरह होता है, उसको घर से बाहर निकालने के लिए जो यूज़ की जाती है डिवाइस, उसे कहते हैं चिमनी। स्टको, स्टको इज एक्चुअली द फाइन प्लास्टर यूज्ड फॉर कोटिंग वॉल सरफेस, और समटाइम्स इट इज़ यूज्ड फॉर आर्किटेक्चरल डेकोरेशन ऑल्सो। आपने घर में देखा होगा कि हमारे रूफ के ऊपर, जिसे हम कई बार कहते हैं POP की डिज़ाइन बनाई हुई है, दैट इज़ अ प्लास्टर, जिसके हेल्प से कुछ डिज़ाइन भी बनाई जा सकती हैं। और ये मोस्टली वॉल को कवर करने के लिए, वॉल की सरफेस को कवर करने के लिए उस पर एक कोटिंग की तरह यूज़ किया जाता है। सो व्हाट इज़ द पोएट इज सेइंग? पोएट कहता है कि क्या मकान ईव्स एंड चिमनीज हैं या फिर टाइल फ्लोर्स हैं या फिर जो हमारा फर्श है, फ्लोर का मतलब आप जानते हैं ज़मीन, तो क्या टाइल से बना हुआ फर्श वो मकान है या स्टको यानी कि जो प्लास्टर की कवरिंग है वो एक मकान है, और रूफ यानी छत या जो हमारे ऊपर का जो टेरेस वाला एरिया होता है, क्या वो मकान है? एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे दरवाजे, क्या ये सब चीज़ें मिलकर मकान बनाती हैं? और अगर ये सब चीज़ें मिलकर मकान बनाती हैं, देन व्हाट इज़ अ होम? होम का मतलब होता है घर। व्हाट इज़ अ होम? पोएट सेड, इट इज़ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। होम यानी कि घर जो है वो ईंट और पत्थरों से नहीं बना है, जबकि ये बना है प्यार करने वाले लोगों से, यह बना है फैमिली से, यह बना है दूसरों के लिए कुछ काम करने की इच्छा से। दैट इज़ द फीलिंग, डूइंग फॉर अदर्स। इट इज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स
एंड फादर्स एंड मदर्स। घर एक्चुअल में बनता है भाई बहनों से, घर बनता है माता पिता से। तो पोएट कहना चाहता है कि एक मकान भले ही पत्थर और ईंट से बना हो, लेकिन घर ईंट और पत्थर से नहीं बनता, घर बनता है घर में रहने वालों से, दैट इज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। घर बनता है उस फीलिंग से जहाँ हम एक दूसरे के लिए कुछ करने की फीलिंग रखते हैं। इट इज़ अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। किससे बना है घर? घर बना है हमारे अनसेल्फिश एक्ट से। अनसेल्फिश का मतलब होता है, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, यानी मतलबी, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करे। अनसेल्फिश का मतलब होता है निस्वार्थ, यानी बिना किसी मतलब के काम करना। और हम जब घर में रहते हैं तो फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के काम करते हैं। दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ अनसेल्फिश एक्ट्स। और हम अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दैट इज़ अ काइंडली शेयरिंग। हम जब घर में रहते हैं तब हम अपने जिन्हें हम प्यार करते हैं, योर लव्ड वंस, योर ब्रदर सिस्टर, योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर कज़िन, योर अंकल आंट, योर अदर रिलेटिव्स, आप उन्हें क्या बताते हैं? दैट यू आर ऑलवेज केयरिंग। हम क्या बताते हैं? कि हम हमेशा आपकी केयर करते हैं। सो दैट इज़ द होम। घर वो है जो फैमिली से बनता है, घर वो है जो काइंड शेयरिंग से बनता है, घर वो है जो अनसेल्फिश एक्ट से बनता है, घर वो है जो केयरिंग से बनता है, घर वो है जो घर में रहने वालों से बनता है। जबकि मकान ईंट, पत्थर, प्लास्टर, चिमनी और विंडो ग्लास से या डोर से बना हुआ एक ओनली कंस्ट्रक्शन है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। अ हाउस is merely a structure which is made up of wood, brick and stone, but a home is built up with the emotions, with the family members, with the loving and caring people who are residing in that. So this was the difference between a house and a home. So friends, I hope you enjoyed this poem. Now we will meet in our next video with some new chapter. Till then, have a great day. Jai Hind, everyone.